नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो 2024 में और उसमें भी खास करके जब से नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली है पीएम पोस्ट के लिए थर्ड टर्म के लिए, उस दिन से कॉन्स्टेंटली हर दूसरे तीसरे दिन जम्मू कश्मीर में और उसमें भी खास करके जम्मू में कई सारे टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं। उसी के चलते कई सारे सोल्जर्स वीर गति को प्राप्त हुए हैं भारत के। तो उसी के साथ ऑपोजिशन और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो है और कुछ अकाउंट्स वो इस प्रकार का एक नैरेटिव बना रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जम्मू सिक्योरिटी एजेंसीज को सेफ रखने में और वहां पर सिक्योरिटी का माहौल बनाए रखने में फेल हो रहे हैं। अब ये जो पूरा नैरेटिव चल रहा है वो खास करके प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के खिलाफ और होम मिनिस्टर अमित शाह जी के खिलाफ चल रहा है। कई सारे सेंट्रिस्ट और राइट विंग अकाउंट्स भी ऐसे हैं जो लोग बहुत ही अग्रेसिव भारत सरकार के ऊपर और रक्षा मंत्रालय के ऊपर इस पूरे सिचुएशन के चलते सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठाना काफी ही लाजमी है, काफी ही जायज है, लेकिन क्या ये जो अटैक्स हो रहे हैं वो बढ़ गए हैं? हकीकत क्या? ये बात अभी तक किसी ने भी कहीं पर भी डिस्क्लोज नहीं की। शायद उन लोगों ने उसमें रिसर्च करने की कोशिश नहीं की, शायद वो भी जो ऑपोजिशन का एक नैरेटिव है उससे इन्फ्लुएंस होकर, उससे प्रभावित होकर प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और जो रक्षा मंत्रालय है, जो होम मिनिस्ट्री है, उन लोगों के ऊपर कॉन्स्टेंटली बहुत ही अग्रेसिवली सवाल खड़े कर रहे हैं। तो इस सभी के चलते हम लोगों ने कुछ रिसर्च किया, हकीकत जानने की कोशिश की और कुछ फैक्ट्स और डेटा के साथ हम लोग आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ये जो डेटा हम यहाँ पर लेकर आए हैं उसकी क्रेडिबिलिटी प्रूव करने के लिए, उसी के साथ वो डेटा कहाँ से लिया है वो भी हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे। डेटा पर जाए, फैक्ट्स पर जाए, उसके पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आपको फैक्ट्स के साथ इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आइए चलते हैं फैक्ट्स पर, जो डेटा है हमारे पास उसके ऊपर। तो सबसे पहला जो डेटा है वो है 2014 से 2018 के बीच जो एक आरटीआई के द्वारा, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें भी होम मिनिस्ट्री के पास से एक्वायर किया गया था। ये जो डेटा है वो पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर के कंटेक्स्ट में लिया गया है, जिसमें 5 अलग अलग सवाल रखे गए थे। उसमें 2 अलग अलग डेटा गवर्नमेंट के पास से आरटीआई के थ्रू मांगे गए। सबसे पहला जो डेटा था वो 2004 से 2014 के बीच में यूपीए गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट के अंदर में जो टेररिस्ट अटैक्स हुए और उसमें जितने सिविलियंस की जान गई, जितने सोल्जर शहीद हुए और कितने टेररिस्ट मारे गए उसके ऊपर थे। और साथ ही में 2014 से 2018 के बीच में, यानी कि बीजेपी की गवर्नमेंट के अंडर में कितने सिविलियंस की जान गई टेररिस्ट अटैक्स में जम्मू कश्मीर में, और साथ ही में कितने सोल्जर्स वीर गति को प्राप्त हुए और अल्टीमेटली कितने टेररिस्ट मारे गए, उस पर्टिकुलर 4 साल के कार्यकाल में उसका डेटा इसमें मांगा गया। तो वही डेटा हम आपके साथ, जो रिस्पॉन्स होम मिनिस्ट्री के द्वारा दिया गया था उसका हम आपके साथ यहाँ पर साझा कर रहे हैं। तो इसमें 2004 से 2014 में तकरीबन 2093 सिविलियंस मारे गए थे टेररिस्ट अटैक में जम्मू कश्मीर में, जिसके सामने 2014 से 2018 के बीच सिर्फ 127 सिविलियंस की मौत हुई थी जम्मू कश्मीर के टेररिस्ट अटैक्स में। इस डेटा के अनुसार 2004 से 2014 के बीच में 1067 सोल्जर्स वीर गति को प्राप्त हुए थे भारतीय सेना के, जिसके सामने 2014 से 2018 के बीच में सिर्फ 330 सोल्जर्स वीर गति को प्राप्त हुए। उसके सामने जो टेररिस्ट मारे गए थे वो 2014 से 2018 के बीच में 4043 थे, यानी कि 4043 टेररिस्ट मारे गए थे। और उसी के सामने जो टेररिस्ट मारे गए 2014 से 2018 के बीच में 4 साल में, वो तकरीबन 806 टेररिस्ट, 806 आतंकवादी मारे गए। अब ये जो यूपीए का 10 साल का कार्यकाल था उसमें एक बात स्पष्ट कर दें कि उन लोगों के सामने हर साल जो आतंकवादी हमले होते थे वो हजारों की संख्या में थे, जबकि 2014 से 2018 के बीच में जो डेटा दिया गया है और उसके बाद हम जो 2019 ऑनवर्ड्स का जो डेटा आपके साथ प्रोड्यूस करने वाले हैं उसमें जो आतंकवादी हमलों की संख्या है वो 3 डिजिट में आ गई है और कुछ केसेस में सिर्फ वो 500 से भी नीचे हो गई है। तो उसी को अगर देखें तो उस कंपैरिजन में आतंकवादी हमले भी यूपीए की गवर्नमेंट के दौरान जम्मू कश्मीर में काफी ही ज्यादा होते थे और उसके सामने जो टेररिस्ट मारे जाते थे, भारत की सेना भी जो सक्षम था उसके चलते वो भी काफी ही ज्यादा थे। उसी तरह से 2014 से 2018 के बीच में भी कई सारे टेररिस्ट मारे गए, लेकिन उस समय में जो टेररिस्ट अटैक्स थे जम्मू कश्मीर में वो काफी ही कम हो चुके।
बात करें अगर 2019 से 2024 के बीच, तो वो जो पर्टिकुलर डेटा है वो हमने साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल से लिया है, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के द्वारा, जिसको लेट आईपीएस ऑफिसर केपीएस गिल जी के द्वारा को फाउंड किया गया। ये वही केपीएस गिल हैं जिन्होंने पंजाब में जो इंसर्जेंसी थी उसको रोकने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई। तो उनके द्वारा ये जो पर्टिकुलर थिंक टैंक है इंडिया का, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, वो को फाउंड किया गया था, और उन्होंने ये जो पर्टिकुलर डेटा है साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल पर वो डेटा प्रोड्यूस किया है। उनका जो डेटा सेट है जो 2019 से 2024 का हम यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाले हैं, वो डेटा सेट बनाया गया है अलग अलग न्यूज पोर्टल्स में से जो इन्फॉर्मेशन उन लोगों ने एकत्रित की थी उसके ऊपर से। तो ये जो पर्टिकुलर डेटा है 2019 से 2024 के बीच में जो 6 साल का डेटा है, उसमें टोटल 667 टेररिस्ट इंसिडेंट हुए थे, उसमें 170 सिविलियंस की जान गई थी और साथ ही में 254 सोल्जर्स किल्ड इन एक्शन, यानी कि वीर गति को प्राप्त हुए थे। उसके सामने जो टेररिस्ट मारे गए थे उनकी जो संख्या बताई गई है वो तकरीबन 898, यानी कि 898, यानी कि करीब करीब 900 लोग पिछले 6 सालों में मौत के भी उतारा गया। तो इसी के चलते अगर पूरा 10 साल का डेटा देखें तो जहां पर 1067 सोल्जर्स मारे गए थे 2004 से 2014 के बीच में यूपीए के गवर्नमेंट के अंडर में, उसी के सामने 2014 से 2024 के बीच बीजेपी और एनडीए की गवर्नमेंट के अंडर में अभी तक तकरीबन 550 से 600 सोल्जर्स वीर गति को प्राप्त हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा शिफ्ट आया है ऑलरेडी पिछले 10 सालों में, उसके आगे के जो 10 साल हैं उसकी कंपैरिजन में। साथ ही में जो टेरर इंसिडेंट्स हैं वो भी बहुत बड़ी मात्रा में कम हुए हैं। ये जो पर्टिकुलरली 6 साल में 678 इंसिडेंट्स दिखाए गए हैं, उसके सामने पिछले यूपी के काल में हर साल में तकरीबन 1000 टेरर इंसिडेंट्स होते थे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो टेरर इंसिडेंट्स हुए हैं वो भी काफी ही हद तक कम हो गए हैं, जिसके चलते वहां पर जो सिविलियंस मर रहे हैं, जो भारतीय सेना के जवान वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं, वो भी बहुत ही बड़ी मात्रा में कम हो रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो हकीकत है, जो फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन है, वो ये दिखाती है कि 2004 से 2014 के बीच में जो उस समय हाल की ऑपोजिशन की सरकार थी, यानी कि कांग्रेस लेड यूपीए की सरकार थी, उसमें कई सारे आतंकवादी हमले रेगुलर बेसिस पर होते थे, जिसके सामने पिछले 10 सालों में बीजेपी की गवर्नमेंट के अंडर में, एनडीए की गवर्नमेंट के अंडर में ये जो हमले हैं वो बहुत ही बड़ी मात्रा में कम हो गए हैं। जो सोल्जर्स वीर गति को प्राप्त होते हैं और साथ ही में जो सिविलियंस भी मारे जाते हैं उनकी संख्या भी काफी ही हद तक कम हो गई है। तो उसी के चलते हम लोग ये बात स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो सिक्योरिटी का सिनेरियो है वो काफी ही हद तक कंट्रोल में लाया गया है और काफी ही बेहतरी उसमें की गई है। कई सारे लोग होंगे जो इसके ऊपर भी काउंटर करेंगे कि भाई ये जो अटैक्स कम हुए हैं वो अलग अलग रीजंस की वजह से हुए हैं, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई एक्शंस की वजह से या इंडियन आर्मी की प्रोफिशिएंसी की वजह से। लेकिन इसके सामने भी हमारे पास जो काउंटर है वो ये है कि पिछले 10 सालों में इंडियन गवर्नमेंट्स ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जो उनके पहले की सरकारों ने नहीं लिए, जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक्स आ जाते हैं, जिससे पाकिस्तान को 2 बार मुंह तोड़ जवाब दिया गया था। उसी के साथ डीमोनिटाइजेशन के थ्रू पाकिस्तान में जो इंडियन फेक करेंसीज प्रोड्यूस होती थी उसके ऊपर भी बहुत ही बड़ी मात्रा में कंट्रोल लाया गया था, उस नेटवर्क को नियरली तबाह कर दिया गया था भारत सरकार के इस स्टेप के चलते। साथ ही में जो डिफेंस में इन्वेस्टमेंट है वो भी इंप्रूव हुआ है, सोल्जर्स को बुलेट प्रूफ वेस्ट मिली है जिनकी काफी रिक्वायरमेंट थी, साथ ही में नए नए उपकरण भी मिल रहे हैं, और इंडिजिनाइजेशन की जो मुहिम एक छेद रखी है मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के चलते, उसके चलते हम लोगों को वेपन्स बहुत ही जल्दी प्रोड्यूस करके मिल रहे हैं भारतीय सेना को, अपग्रेडेड वेपन्स, जैसे कि रिसेंटली AK-203 के 35,000 यूनिट्स इंडियन आर्मी को SCO से ठीक पहले दिए गए। तो उसी के चलते इंसास राइफल, जिसके सामने कई सारे लोग आवाज उठा रहे थे और भारत सरकार से ये मांग कर रहे थे कि उसको हटा दिया जाए, तो उसको भी धीरे धीरे सिस्टम से बाहर करने की एक मुहिम छिड़ी हुई है, और उसके सामने जो उसको रिप्लेस करने के लिए जो टूल्स, इक्विपमेंट्स और वेपन्स, आर्म्स एंड एम्युनिशन की जरूरत है उनको प्रोड्यूस किया जा रहा है, अगर वो भारत में हो सकते हैं जल्दी से तो, और अगर नहीं तो उनको बाहर से एक्वायर किया जाए। इसके अलावा
तो भारत में, खास करके जम्मू कश्मीर में, ओजीडब्ल्यू नेटवर्क यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर्स, जो पाकिस्तानी टेररिस्ट के साथ मिलकर उनको सपोर्ट करते हैं, उनको खाना प्रोवाइड करते हैं, उन लोगों को इंडियन आर्मी की पोजीशन से रिलेटेड टिप्स देते हैं, उनके ऊपर भी बहुत ही बड़ी मात्रा में कॉन्स्टेंट क्रैकडाउन चल रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर में। तो उसी के चलते जो भारत में, खास करके जम्मू कश्मीर में से जो जवान पाकिस्तानी टेररिस्ट के साथ मिलकर भारत में भारतीय सेना के ऊपर और भारत के लोगों के ऊपर हमला कर रहे थे, उसमें भी बहुत ही बड़ी मात्रा में गिरावट आई है। तो उसी के साथ इन आतंकवादी ग्रुप्स के जो प्यादे थे, जो पॉन्स थे, उसमें भी बहुत ही बड़ी मात्रा में गिरावट आई है। उसी के चलते जो रिसेंटली टेररिस्ट मारे जा रहे हैं वो ज्यादातर कमांडर लेवल के पाए जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से भारत सरकार ने और इंडियन आर्मी ने और साथ ही में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत ही बड़ी मात्रा में क्रैकडाउन किया हुआ है पूरे जम्मू कश्मीर में। कॉन्स्टेंटली वो लोग क्रैकडाउन अभी भी कर रहे हैं, ओजीडब्ल्यू नेटवर्क्स को अभी भी ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। उनके जो एफर्ट्स हैं वो कॉन्स्टेंट हैं, और साथ ही में ऐसे गवर्नमेंट रूल्स भी ला रही है ताकि ऐसे ओजीडब्ल्यू डिस्करेज किया जा सके, उनकी प्रॉपर्टीज जो है उसको कॉन्फिस्केट करके उनको लॉन्गर जेल टर्म्स प्रोवाइड कर। तो इसी तरह से वहां पर कश्मीर में इन लोगों के, आतंकवादियों के साथ जो अफिलियेशंस और उनके द्वारा जो अट्रैक्शंस दिए जाते हैं, उसके सामने भारत सरकार ने भी काफी ही बड़ी मात्रा में स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते भारत में टेररिस्ट अटैक्स बहुत ही कम हो गए हैं। अब अगर बात करें करंटली जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है, तो जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली, उसी दिन से कॉन्स्टेंटली हर दूसरे तीसरे दिन अटैक हो रहे हैं जम्मू में, उससे कुछ हद तक ऐसा मालूम पड़ रहा है कि ये हो सकता है कि कुछ खास दलों ने मिलकर, भारत के दलों ने मिलकर इस प्रकार की परिस्थितियां वहां पर खड़ी की हो और उन लोगों को सपोर्ट किया हो, ऐसा दिखाई पड़ता है। लेकिन हम किसी भी प्रकार की कॉन्स्पिरेसी में यहां पर नहीं जाएंगे, उसके लिए हमारे पास कोई भी प्रूफ, कोई भी आधार नहीं है, तो वो सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थियरी है एज ऑफ नाउ। अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आती है तो हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे, लेकिन हाल की जो कंडीशन है उसमें रियलिटी ये है कि ये जो पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स हैं, उन लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजीज चेंज की हैं, क्योंकि उनके जो प्यादे थे, उनके जो पॉन्स थे, वो तकरीबन खत्म हो गए हैं। तो उन लोगों को अपने जो घोड़े हैं, जो वजीर हैं, जो हाथी हैं, उनके ऊपर दाव खेलना पड़ रहा है। तो जिस तरह से शतरंज के खेल में स्ट्रेटेजी अगर आपके सामने वाला चेंज करता है, तो उससे आपको थोड़ा बहुत एलिमेंट ऑफ सरप्राइज मिलता है, और उसी के साथ आपको एक समय भी मिलता है फिर से सोच विचार करने के लिए, और आप जिस स्ट्रेटेजी पर उस समय तक काम कर रहे थे उसमें बदलाव करने के लिए आपको थोड़ा बहुत समय मिल जाता है। तो वही समय भारत सरकार और इंडियन आर्मी को हाल में मिला है, क्योंकि ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उन लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की है। साथ ही में बहुत सारे हाइड आउट्स जो पहले बनाए हुए राजौरी, पूंछ, कठुआ और उसके आसपास के इलाकों में, उन हाइड आउट्स का वो लोग फिर से यूज कर रहे हैं। अब ये जो इलाके हैं वो इस तरह से जंगल से भरे हुए हैं कि उसमें ड्रोन जैसे एयरबोर्न वेपन्स या एयरबोर्न गैजेट्स का यूज करना नियरली मीनिंगलेस है, क्योंकि हवा में से नीचे ग्राउंड पर क्या गतिविधियां हो रही है उसकी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। तो उसी के चलते ये जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है वो उस जगह पर उतनी कारगर साबित नहीं हो पा रही है, इसीलिए हमारे भारत के जो जवान हैं उन लोगों को आमने सामने की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो इसी के चलते वहां की जो टेरेन है उसका भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि किस विषम परिस्थितियों में, किस चैलेंजिंग कंडीशंस में भारत की सेना हाल में इन आतंकवादियों का मुकाबला कर रही है, और वो भी ऐसे आतंकवादी जो कि कमांडर लेवल पर है, जो काफी सालों से वांटेड लिस्ट में रखे गए हैं। ये जो हमले हैं वो रिसेंटली थोड़े बहुत बड़े जरूर है, लेकिन इसका भी तो भारत सरकार निकाल पाएगी, जरूर निकालेगी, और साथ ही इंडियन आर्म फोर्सेस को भी फ्री हैंड मिला हुआ है, तो वे लोग भी इसके ऊपर जो रिस्पॉन्स है और जो स्ट्रेटेजिक चेंज है वो बहुत ही कारगर रूप से करेंगे। और ये जो आतंकवादी ग्रुप्स हैं जो कॉन्स्टेंटली उकसा रहे हैं और कॉन्स्टेंटली हमले कर रहे हैं पिछले कुछ समय से, जब से नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली है उस दिन से, उनको भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। तो इसी के चलते हम आप सभी से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो पूरा ऑपोजिशन के द्वारा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, जिनके समय में आतंकवादी हमले हर साल 1,000 हो रहे थे, जो हाल में 6 साल में मिलकर 1,000 नहीं हो रहे, उनके नैरेटिव समझे, तुरंत ही
नीजर रिएक्शन ना दे, डेटा को समझे, डेटा ढूंढे, वो ओपन सोर्स में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको ये जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है वो टू द पॉइंट मिले, क्योंकि ये जो नैरेटिव बिल्ड होते हैं उसके सामने काउंटर करने के लिए और फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन हम आप लोगों के साथ साझा करने के लिए कॉन्स्टेंटली कार्यरत रहते हैं, कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और आपके समक्ष रखते हैं। तो किसी भी नैरेटिव में पढ़ने से पहले रिसर्च करें, हमारा वीडियो देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही में डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है जहां पर हम लोग रेगुलर ऐसी खबरें भी शेयर करते हैं जो नॉर्मली हम लोग यहाँ पर यूट्यूब पर शेयर नहीं कर पाते हैं। तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़े और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। हमारे जो भारत के जवान वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं उन सभी के लिए हमारी सहानुभूतियां हैं। हम चाहते हैं कि एक भी सोल्जर वीर गति को प्राप्त ना हो, लेकिन ये जंग है और ये जंग चालू रहेगी जब तक पाकिस्तान खत्म नहीं होगा। तो उस समय तक हम लोग मेंटली तैयार रहना होगा। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।